राधे राधे प्यारे भक्तों, KF यूनिक ब्लॉग यानी कि कान्हा फैमिली यूनिक ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आ रही हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि घर में कान्हा जी रखने क्यों ज़रूरी होते हैं। देखिए, मेरा तो मानना यही है कि जिस किसी भाई या बहन किसी भी प्यारे भक्त के घर में ठाकुर जी नहीं हैं, तो मेरा तो यही मानना है कि हर 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 एक परिवार में घर घर में ठाकुर जी का विराजमान होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के घर में नहीं है तो उन्हें अपने घर में एक लड्डू गोपाल, छोटे हों बड़े हों कैसे भी हों, उन्हें ज़रूर विराजमान करवाने चाहिए। क्योंकि देखिए, जिन किसी के घर में भी ठाकुर जी होते हैं, उनके सभी काम कभी रुकते नहीं हैं। उनके सभी कार्य विधि पूर्वक पूरे होते चले जाते हैं। कभी कोई अड़चन आती भी है तो ये खुद देख लेते हैं। ये अपनी कृपा ऐसे बरसाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता खुद ब खुद कैसे सारे कार्य सफल होते चले जाते हैं। मेरा तो मानना यही है कि सभी प्यारे भक्त के घर में, हर एक दुनिया के कोने कोने में, घर घर में लड्डू गोपाल होने ज़रूरी हैं। क्योंकि जहाँ ये होंगे, कृपा खुद ब खुद बरसेगी। ये अपने कृपा खुद ब खुद बरसाते हैं। हमें ये मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये खुद हमारे मन की बात समझते हैं, हमें किस चीज़ की तकलीफ़ है, किसकी नहीं, हमें क्या चाहिए क्या नहीं। ये हमारे मन की सभी बात जानते हैं। ये हमारे मन पढ़ते हैं, जानते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं। मेरे पास देखिए, ये हमेशा मेरे मन की बात सुनते हैं। मेरा तो मानना यही है कि सबके घर में अगर लड्डू गोपाल होंगे, हो सकता है हम कई बार अपने मन की बात किसी से नहीं कर पाते। इन इन ये इनके साथ अगर हम अपने मन की बात करेंगे तो ये सुनेंगे भी और उसका हल भी निकालेंगे। इसलिए प्यारे भक्तों, अगर किसी के घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो उनको एक लड्डू गोपाल अपने घर में ज़रूर विराजमान करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकॉन का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राधे, राधे राधे प्यारे भक्तों।